नमस्कार मरियाहु। पहला प्रश्न रजत जायसवाल जी का है। उन्होंने कहा है, माननीय विधायक जी, रामपुर में नाले की सफाई के लिए आपसे अनुरोध किया था, अभी तक वैसे ही है, कृपया करके कार्यवाही करें। रजत जी, रामपुर बाजार को नगर पंचायत का दर्जा मिलने वाला है, शासन में पत्र भी भेज दिया गया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे रामपुर बाजार का अत्यधिक विकास होगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। संजय यादव ने कहा है, भवानीपुर रामनगर मार्ग से घमहापुर पक्की रोड 10 वर्ष पहले बना, आपसे निवेदन करता हूँ इसे रिपेयर करवाने की कष्ट करें। संजय जी, रामनगर मार्ग से घमहापुर पक्की रोड को मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को जौनपुर को भेज दिया गया है, जल्द ही मरम्मत हो जाएगा। अगला प्रश्न सचिन कुमार तिवारी ने कहा है, सोलर एनर्जी पैनल लगवाइए सुभाषपुर राम जानकी मंदिर पर। सचिन जी, हमारे यहाँ अभी सोलर एनर्जी पैनल नहीं आया है, यदि आता है तो सुभाषपुर राम जानकी मंदिर में अवश्य लगवाया जाएगा। विकास जायसवाल ने कहा है, माननीय विधायक जी, हमारे रामपुर जल निगम का ट्रांसफार्मर जल गया है, कृपया उसे अति शीघ्र बदलवाने का कष्ट करें ताकि लोगों को पीने के पानी प्राप्त हो सके। विकास जी, ट्रांसफार्मर बदलवा दिया गया है। आपको बता दें कि बिजली से संबंधित किसी भी समस्या के हेतु टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज किया जा सकता है, जिसका निस्तारण जल्द ही हो सकता है, और ट्रांसफार्मर जलने पर शिकायत करने के 48 घंटे के अंदर बदल दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। विनोद दुबे ने कहा है, माननीय विधायक जी, आप एक नज़र रामपुर कठवतिया तिराहे पर डाल दीजिए, आए दिन रोज वहां पर सब गिर रहे हैं। विनोद दुबे जी, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि रामपुर को नगर पंचायत का दर्जा जल्द ही मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे विकास के कार्य होंगे, फिर भी रामपुर कठवतिया तिराहे पर पानी के जमाव के कारण रोड खराब हो जाता है, जिसे लोक निर्माण विभाग को कह दिया गया है और तिराहे के रोड को सही कराने हेतु पत्थर भी डाल दिया गया है। सरदार सिंह ने कहा है, विधायक जी प्रणाम, मेरा गांव सहरा है, मेरे यहाँ पक्की रास्ता अभी तक नहीं बना ही नहीं है, आपसे विनम्र निवेदन है कि मेन रोड रामपुर जाने वाली रोड से मेरे यहाँ पर 200 मीटर है, उसे बनवाने की कृपया करें। सरदार सिंह जी, मेरे द्वारा आपके गांव का सर्वे करवाया जाएगा और आपके रोड को जिला कार्य योजना में भेज दिया गया है। निश्चिंत रहें, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपका रोड बन जाएगा। अहमद जी ने कहा है, मेरे ग्राम रानीपुर में अभी तक बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। अहमद जी, यदि आपके यहाँ राशन कार्ड नहीं बना है तो राशन कार्ड का फॉर्म भर तहसील के पूर्ति निरीक्षक अधिकारी बैठते हैं तहसील में, उनके यहाँ आप जमा करवा दीजिए। आप पात्र हैं तो राशन कार्ड अवश्य बनेगा, यदि नहीं बनता है तो आप हमारे कार्यालय पे आकर के संपर्क कर सकते हैं। राहुल दुबे ने कहा है, विधायक जी प्रणाम, ग्राम सिधवन रामपुर, मेरे दादाजी आपके ऑफिस पर गए थे एक नल के लिए, लेकिन अभी तक नल नहीं लगा है। आप बोली थी 100 नल आया था, लेकिन लग गया। आपसे विनम्र निवेदन है कि रिबोर करवा दीजिए। राहुल जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे यहाँ अभी तक 6000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जिसमें 100 हैंडपम्प आया था वो लग चुका है। आपको रिबोर कराना है तो आप अपने ग्राम प्रधान या ब्लॉक पर जाकर रिबोर के लिए आवेदन करवा दीजिए, निश्चित ही रिबोर हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं होता है तो आप हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। आशीष सिंह ने कहा है, पृथ्वीपुर गांव चक्रोड बनवाने की कृपया करें विधायक जी। आशीष जी, पृथ्वीपुर में कौन सा रोड बनवाया है, कृपया कौन सा रोड बनवाना है कृपया स्पष्ट करें, और आप आकर के आप हमारे कार्यालय में नोट करवा दीजिए।
मनीष तिवारी ने कहा है, मैं मनीष तिवारी सेऊर तिवरान से आज तक मेरे यहाँ रास्ता नहीं है, इस वजह से हमारे पड़ोस में कोई भी इमरजेंसी पर फोर व्हीलर नहीं आ पाता है, जिससे हमें तकलीफ होती है। हमारे सेऊर तिवरान के दक्षिण दिशा में पूरे तिवरान का निकाला होता है, वहाँ पर एक हैंडपंप नहीं है, जिससे पूरे गांव को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मनीष जी, हमारे यहाँ अभी तक, मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ, 6,000 से अधिक आवेदन आए हुए हैं हैंडपंप के, जिसमें 100 हैंडपंप था वो भी लग चुका है। मैं प्रयास करूँगी कि इस बार आपके यहाँ हैंडपंप अवश्य लग जाए, और रास्ते के लिए आपने कुछ अस्पष्ट नहीं बताया है, कृपया आप आ करके हमारी कार्यालय में नोट करवा दीजिए। प्रशांत तिवारी ने कहा है, मेरे गांव कुंभापुर में जाकर एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, पाठक के घर के पास जो गुजरने वाला रास्ता है वहां बिल्कुल पानी भर गया है, पूरे ग्राम सभा को बारिश में दिक्कत हो रही है, प्रधान रास्ता का कोई काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत तिवारी जी, आपका गांव पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य गाँव के सर्वांगीण विकास हेतु चयनित किया गया है, जिसमें आपके गांव का सर्वे कराया गया है, बजट आते ही आपके गांव की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय